कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत कि कुछ उलमा ऐसे हैं कि वो शरीयत पर नहीं चलते, शरीयत को मुकम्मल फॉलो नहीं करते, उनके अंदर कुछ ऐब है, तो हम उन्हें बुरा कह सकते हैं? तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई एक प्रिंटिंग प्रेस है, एक कारखाना है जिसमें कुरान छपता है, तो गलती से कुछ पेज आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ लाइनें ऊपर नीचे हो जाती है, सीक्वेंस तब्दील हो जाती है, तो हम कुरान के उन औराक को डस्टबिन में डाल सकते? फरमाया नहीं नहीं। फरमाया रे ये तो गलत कुरान है, ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया। फरमाया जैसा भी हजरत है तो कुरान, फरमाया आलिम जैसा भी है वो रसूलुल्लाह का वारिस है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा उम्मती का अंबिया इबनी इसराइल। आलिम के चेहरे को देखना रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, आलिम से मुसाफा रसूलुल्लाह से मुसाफा, आलिम की हम नशीनी रसूलुल्लाह की हम नशीनी। कयामत में मैदान महशर में पहली सफ अंबिया की होगी, दूसरी सफ उलमा की होगी। हम कौन होते हैं कि जी ये उलमाए हक है और ये उलमाए सुए? जाहिल आदमी पहचान करता है कि ये सही आलिम है और ये गलत आलिम। नाई से आप पूछो कि ये जूता अच्छा है, मोची से आप पूछो ये सोना कौन से ग्रेड का है, सुनार से आप पूछो इस कपड़े की क्वालिटी क्या है, कपड़े वाले से आप पूछो कि सब्जी का भाव क्या है, आज के वजीर खजाना से पूछो कि टमाटर का रेट क्या है,